राजस्थान की नंबर वन डिफेंस एकेडमी से ऑनलाइन फिजिकल तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें रिम डिफेंस एकेडमी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर फिजिकल तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जिसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लिया है और वो है फिजिकल तैयारी के दौरान आपकी बॉडी में जो पेन होता है, जो दर्द आप फील करते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। अभी जैसे ही फिजिकल की डेट निश्चित होने वाली है तो बच्चों में एक डर सा है, भय सा है और उसकी वजह से हम कुछ गलतियां करते हैं। तो आज हम उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से आपकी बॉडी में भी पेन होता है, वो पेन कितने प्रकार का होता है, उस दर्द के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और उसको ठीक कैसे करना है। तो इन सारी चीज़ों पे अपन डिस्कस करेंगे। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बच्चे मेरे नियमित स्टूडेंट हैं वो वीडियो को लाइक करिए और अंत तक देखिए, आपको भी इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपकी बॉडी में अभी तक दर्द नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बट ये कभी भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे हमें दर्द होने के बाद उसको मैनेज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत रिटर्न एग्जाम में किया और इतना अच्छा स्कोर भी किया है। अब फिजिकल है वो आपके लिए पूरी तरह आर पार की लड़ाई है। कुछ बच्चों का तो इतना अच्छा स्कोर है कि अगर फिजिकल पास हो जाए तो फाइनली नौकरी सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं आप। तो इसीलिए मैंने आज के टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंस दिया है और सारे टॉपिक्स को छोड़ के आज का टॉपिक आपके लिए रखा है। आज के वीडियो में सिर्फ आपको दर्द के बारे में सीखना है, समझना है और ये चीज़ पता करनी है कि ये चीज़ें कैसे मैनेज की जा सकती हैं। उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दर्द होते ही कई बच्चों को ये लगता है कि बस अब शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो दर्द की, हर एक दर्द की एक एक लिमिट होती है कि वो कितने दिन तक होगा, कब तक होगा और कभी भी हो सकता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में जब हम स्टार्टिंग करते हैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, जब कोई भी आदमी शुरू करता है तो उसको 4-5 दिन तक नॉर्मल एक पेन होता है, जो सिर्फ मांसपेशियों का पेन होता है। तो वो तो नॉर्मल एक रूटीन का हिस्सा है, वो तो होगा ही होगा। और वो होने के बाद फिर उसके बाद में जो दूसरे तरह के जो दर्द हैं वो कुछ दिनों के बाद कभी भी हो सकते हैं, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो उनसे बचा भी जा सकता है। और इसीलिए एक अच्छे एकेडमी का, एक अच्छे इंस्टीट्यूट का फर्क पड़ता है कि जिसमें आपको ट्रेनिंग एक सही तरीके से दी जाती है, एक निश्चित क्रम में एक्सरसाइज कराई जाती है, एक सरल से कठिन की ओर आपको ले जाया जाता है, तो उससे आप अपने दर्द से बच भी सकते हैं। अगर गलत तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, बिना ट्रेनर के प्रैक्टिस करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा जल्दी दर्द हो सकता है और फिर उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। तो आपको कॉन्फिडेंस अपना गिराना नहीं है, डरना नहीं है। किसी भी प्रकार का दर्द अगर आपके है तो एक बार आप रिम डिफेंस एकेडमी से जरूर कॉन्टैक्ट करिए। तो मैं सबसे पहले एक एक चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी बॉडी में जो दर्द होता है उसके कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है आपको कि एक तो बिना वार्म अप के अगर अपन कोई भी इवेंट कर लेते हैं, बहुत से बच्चे कई बार ग्राउंड में जाते हैं और बिना वार्म अप किए लॉन्ग जंप करके देख लेते हैं, बिना वार्म अप किए 100 मीटर दौड़ के देख लेते हैं, वो सबसे बड़ा दर्द का कारण बनता है। तो वार्म अप हमेशा करिए, जब भी आप कोई इवेंट करने के लिए जाते हैं, कोई भी इवेंट फिजिकल का करते हैं, तो उससे पहले बॉडी को वार्म अप करिए। उसकी एक्सरसाइज मैंने अलग से वीडियो में बता रखी है कि वार्म अप कैसे होता है, बॉडी को तैयार करना किसी भी इवेंट को करने के लिए। तो एक तो ये गलती करते हैं, इसके अलावा दूसरा ये होता है कि हर एक इवेंट करने के लिए उसके लिए पहले कुछ चीज़ें सीखने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं, तो वो चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करिए कोई भी इवेंट करने से पहले, चाहे 100 मीटर कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग जंप कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग जो होती है आपकी, जो फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, वो एक किसी के निर्देशन में करनी है आपको, कोई आपको बताने वाला होना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे बच्चे को देख के या अनट्रेंड किसी आदमी से अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं तो उसकी गलत एक्सरसाइज की वजह से भी बॉडी में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। जैसे कि सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा तेज भागने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, जब आप ट्रेनिंग ले रहे हो, जब आप फिजिकली अपने आप को तैयार कर रहे हो, उस समय आप अगर खूब ताकत बार बार लगाते हो, बार बार एक इवेंट को रिपीटेशन करते हो, तो उस कंडीशन में भी पैरों में दर्द हो सकता है। लॉन्ग जंप और 100 मीटर वाले दो जो इवेंट हैं, ये रोज करने के लिए और एक दिन में भी ज़्यादा बार नहीं करना है। कई बच्चे हैं जो एक ही दिन में पूरे दिन लगातार एक इवेंट करते रहते हैं या फिर डेली उसी इवेंट को करते हैं, ऐसा नहीं करना है। लॉन्ग जंप और 100 मीटर सप्ताह में 2 दिन से ज़्यादा नहीं करके देखना है।
उसको करने से पहले आपको उसके लिए तैयार होना है, आपको बॉडी में स्टेमिना पैदा करनी है, वो एक्सरसाइज करने से आती है। तो आप सीधा इवेंट्स अगर बार बार करेंगे, रनिंग अगर बार बार करेंगे, तो टाइम कम नहीं होगा आपका, एक दो सेकंड करने कम करने के लिए भी बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह से आप ये जो गलत प्रैक्टिस करते हैं ना, इसकी वजह से भी बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन हो सकता है। और तीसरी चीज़ डर की वजह से भी होता है, जब हम कोई भी इवेंट करते हैं और उसमें डरते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो उस कंडीशन में भी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन हो सकता है। साथ ही दोस्तों, जब हम लॉन्ग जंप के दौरान अगर हम अचानक से गिरते हैं, अचानक से ऐसी जगह पर गिरते हैं जहाँ ध्यान नहीं देते हैं और मिट्टी वहाँ की हार्ड हो सकती है, उसकी वजह से पैर मुड़ सकता है, कई बार लापरवाही हम करते हैं उसमें, तो उससे भी बॉडी में पेन हो सकता है। जो झटका लगता है लॉन्ग जंप के टाइम, वो भी ज़्यादा होता है, जब तक उसके लिए आपका शरीर तैयार नहीं है, जब तक आपकी 10-15 दिन की प्रैक्टिस नहीं है, तब तक आपको लॉन्ग जंप और 100 मीटर नहीं करना चाहिए, उससे भी आपको दर्द बॉडी में किसी प्रकार का हो सकता है। अचानक से पैर किसी और किसी वजह से भी मुड़ सकता है, गड्ढे में अचानक से पैर गिर गया, अंधेरे की वजह से पैर आपका मुड़ गया, या और कोई कारण जिससे कि पैर मुड़ जाता है, जिससे मोच लग जाती है, तो वो भी दर्द का एक कारण बनता है। साथ में अगर आपने जूता अगर गलत पहना है, अगर आपने ग्राउंड अगर अच्छा यूज नहीं किया है, हार्ड सरफेस पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जूता अगर आपका लूज है, या जूता आपका टाइट है, या आप पैर टेढ़ा रख रहे हैं हर बार, या आप बॉडी का पोस्चर सीधा नहीं रखते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे भी किसी भी प्रकार का दर्द हो सकता है। साथ ही अगर पहले की आपको कोई चोट लगी हुई है, पहले अगर आपने कभी कोई फिजिकल किया था, उस दौरान अगर आपको दर्द हुआ था, तो वो दर्द भी अब दोबारा शुरू हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं जो बॉडी में दर्द होने का कारण बनते हैं। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि दर्द कितने प्रकार का होता है। अब देखिए, दर्द के जो प्रकार है ना, वो तीन प्रकार मैंने लिए हैं। एक दर्द होता है दोस्तों अस्थाई दर्द, टेम्परेरी होता है ये दर्द। एक होता है स्थाई दर्द, जो एक्सरसाइज करने के बाद में भी होता रहता है। और तीसरा दर्द है मोच या चोट का दर्द। तो ये जो दर्द है अस्थाई वाला दर्द, ये उतनी देर होता है जितनी देर हम एक्सरसाइज करते हैं। अगर हम कोई भी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो करते करते हम थकने लगते हैं, वहाँ हल्का हल्का सा एक पेन होने लगता है, वो दर्द है, वो अस्थाई दर्द है। और वो दर्द है जो थोड़ी देर के बाद में खत्म हो जाता है। जिस एक्सरसाइज को करने से दर्द होता है, वो एक्सरसाइज हम जैसे ही चेंज करेंगे, दूसरी एक्सरसाइज करने लगेंगे, तो वो दर्द खत्म हो जाता है। तो वो अस्थाई दर्द है और वो आपको सहन करना पड़ता है। इसके बाद में जो स्थाई दर्द है, वो दर्द है, ये भी दो तरह के होंगे। एक होगा बिना सूजन वाला दर्द, जिसमें स्वेलिंग नहीं होती है, और दूसरा होता है सूजन के साथ दर्द, जिसमें स्वेलिंग भी साथ में होती है। तो जो बिना सूजन वाला दर्द है ना, वो भी आपको सहन ही करना पड़ेगा। और दूसरा जो सूजन के साथ दर्द होता है ना, वो आपको रेस्ट से ठीक किया जा सकता है। और साथ में जो मोच या चोट का जो दर्द है, वो दर्द किस तरह का होता है, उसमें स्वेलिंग भी हो सकती है और बिना स्वेलिंग के भी हो सकता है। अगर आप गिरे अचानक से, उसमें घाव भी हो सकता है, चोट में घाव भी लग सकता है, और यहाँ मोच के अंदर स्वेलिंग भी हो सकती है। तो ये तो दर्द के प्रकार हो गए। ये तीन प्रकार के दर्द आपकी बॉडी में होते हैं। इसके अलावा पेट में जो दर्द होते हैं, वो एक अलग तरह का होता है। वो आपके खाने पीने की वजह से होता है, कब्ज की वजह से हो सकता है। अगर आपने ऐसी कोई चीज़ खा ली जो आपको नहीं खानी चाहिए थी, जो आपको सूट नहीं करती है, या आपने प्रैक्टिस से पहले तुरंत पहले कुछ खा लिया, वो चीज़ें एक अलग दर्द का कारण बनती है। उस पर भी अपन बात करेंगे। इसके बाद में आप इन दर्द को कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये दर्द जब होते हैं, तीनों ही तरह के दर्द जब होते हैं, तो इनको आपको मैनेज कैसे करना है। तो जो ये वाला दर्द है आपका अस्थाई दर्द, इसके दौरान तो आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, सिर्फ दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना है, सिर्फ सहन करना है, ये इसका इलाज है। और जितना इसको सहन करेंगे ना, उतनी हमारी मांसपेशियां मजबूत बनेंगी। और ये ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है। अगर पेट में भी दर्द हुआ है तो आपको, तो वो कुछ सेकंडों के बाद वो खत्म हो जाता है। वो हमारा ध्यान सिर्फ एक बार वहाँ जाता है और कुछ देर में बाद में वो ठीक हो जाता है, अगर हम लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं। अगर हम किसी भी प्रकार के अस्थाई दर्द को तो अगर लेके बैठ जाएंगे, अगर उसकी वजह से हम रुक जाएंगे, तो फिर वो रोज़ रोज़ हमें परेशान करेगा, वो हर दिन उससे आगे हमें नहीं बढ़ने देगा। तो उस दर्द को आपको, अस्थाई वाले दर्द को आपको सहन ही करना पड़ेगा, और उसको जितना सहन करेंगे उतना आप स्ट्रांग बनेंगे। इसके बाद में बात करते हैं अपन स्थाई दर्द के लिए। तो स्थाई दर्द में दो तरह का मैंने बताया था, कि बिना सूजन का दर्द और एक सूजन के साथ दर्द। तो जो बिना सूजन वाला दर्द है ना, जिसमें सूजन नहीं है, जिसमें स्वेलिंग किसी प्रकार का नहीं है,
इसको भी आपको सहन करना पड़ेगा, इसमें भी आपको लगातार लगातार वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो दर्द होता रहेगा। अब उस दर्द की अलग अलग लिमिट है कि वो कितने दिन में ठीक होगा। कोई दर्द ऐसा होता है कि जो 4-5 दिन में खत्म हो जाता है, कोई दर्द ऐसा होता है जो 8-10 दिन में खत्म हो जाता है। ये बॉडी पे डिपेंड करता है, हर आदमी की क्या स्थिति है, उसके हड्डियों की क्या स्थिति है, उसके शरीर की, वो कैसे वातावरण में पला बढ़ा है, इन सब उसकी डाइट कैसी है, इन सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करते हैं दर्द आपके। तो वो बिना सूजन वाला दर्द है वो 5 दिन चल सकता है, 10 दिन चल सकता है, कई बार दर्द के साथ भी हमें फिजिकल करना पड़ सकता है, यहाँ तक हमें तैयार रहना है। तो वो ज़्यादा नुकसान वाला नहीं होता है। और अगर ये सूजन इसमें आने लगती है, अगर आप दर्द हो रहा है और फिर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो और स्वेलिंग आती है, तो फिर वो दूसरे तरह का दर्द बन जाएगा, फिर वो सूजन के साथ दर्द हो जाएगा, स्वेलिंग के साथ दर्द होगा। जब स्वेलिंग के साथ दर्द होगा उस कंडीशन में दोस्तों आपको रेस्ट करना पड़ेगा, वो ठीक हो सकता है रेस्ट करने से। जब स्वेलिंग है किसी बॉडी के पार्ट में, पैर में चाहे कहीं भी है, हाथ में चाहे कहीं भी है, किसी भी जगह जहाँ स्वेलिंग है और वहाँ दर्द कर रहा है फिजिकल करते समय, प्रैक्टिस करते समय, तो उस बॉडी के पार्ट को आपको रेस्ट देना पड़ेगा। जरूरी अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई तो उस कंडीशन में हम उसको बेड रेस्ट दें। आपको ग्राउंड में जाना है, रोज आपको ग्राउंड में जाना है। साथ में अगर पैर में दर्द है तो पैर की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बाकी एक्सरसाइज करेंगे। हम पेट को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज करेंगे, हम हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, हम दूसरी और जो बिना पैर के जो एक्सरसाइज हो सकती है वो वाली एक्सरसाइज जरूर करेंगे और नियमित रूप से ग्राउंड में जाएंगे। उसको सिर्फ जिस पार्ट में वो स्वेलिंग है उसमें स्वेलिंग के साथ नहीं करेंगे। अगर स्वेलिंग के साथ करेंगे तो ज़्यादा इंजरी हो सकती है। स्वेलिंग का मतलब ही है कि वहाँ इंजरी है, वहाँ चोट लगी हुई है, तो वो दर्द ठीक होगा आपका रेस्ट करने से, उस पार्ट को स्पेशली रेस्ट करने से। साथ में उसका एक इलाज और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि वो और दूसरा इलाज ये क्या है। स्वेलिंग जब होती है तो उसमें हम कुछ ऊपर से भी लगा सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो दर्द को खींचती हैं, जो स्वेलिंग को कम करती है, जो पैर को मजबूत बनाती है, तो उसके लिए कुछ मलहम है वो वगैरह लगा सकते हैं अपन, गर्म पट्टी उसके ऊपर लपेट के रख सकते हैं, तेल उसमें सरसों का लहसुन की कुछ कलियां डाल के उसको बॉईल करके वो लगा के अपन गर्म पट्टी बांध के रख सकते हैं। इसके अलावा आइस का सेक कर सकते हैं, कई उपाय हैं उसके लिए, उस स्वेलिंग वाले दर्द के। बाकी किसी दर्द में इस तरह के इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्थायी दर्द के लिए दोनों हो गए। अब इसके बाद में ये वाला है ना, मोच या चोट का दर्द, तो ये भी रेस्ट से ठीक होता है। मोच के लिए सबसे पहले तो आपको मोच आपको निकलवानी पड़ेगी, जो भी जहां आप रहते हैं वहां मोच निकालने वाला जो भी होता है, मोच में आपको पता चल जाएगा, मोच में पैर रखा ही नहीं जाता है, मोच में आप पैर रख ही नहीं सकते और स्वेलिंग ज़्यादा आ जाती है, तो उसको मोच आपको पहले निकलवानी पड़ेगी। और उसके बाद में अगर हल्की मोच है, अगर कम है, तो वो सिर्फ पट्टी लगाने से भी ठीक हो सकता है। दवा लगा के अगर पट्टी लगा देते हैं उस पर तो उससे भी वो मोच आपकी ठीक हो सकती है। तो वो जब तक आपको मोच रहती है तब तक आपको उस बॉडी के पार्ट को रेस्ट देना है, और उसके बाद में धीरे धीरे काम में लेना है उसको। ऐसे नहीं कि एक बार मोच के बाद में दोबारा भी वहाँ दर्द होने का चांस रहता है, तो उसको पूरा यूज आपको फटाफट जल्दी से नहीं करना है। और साथ में चोट जो लगती है जिसमें घाव होता है, उसको तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक कर सकते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं, उसमें लगाने वाली क्रीम वगैरह यूज कर सकते हैं, और उससे भी आप उस दर्द को ठीक कर सकते हैं। और दर्द के दौरान अब क्या करना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, दर्द को कैसे ठीक करना है। तो अपने तीनों तरह के दर्द के बारे में देख लिया सारी चीज़ें, अब इसको एक तरीका और है, जो है आपको एक्सरसाइज से। कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जो हम पैरों की एक्सरसाइज है, जिससे हम पैरों के दर्द को स्पेशली ठीक कर सकते हैं। चाहे आपके पैरों के दर्द पहले से नहीं हो रहा है तो भी आप वो एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा, पैरों को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन सी एक्सरसाइज है जिनसे हम पैरों के दर्द को ठीक कर सकते हैं। और अभी काफ़ी संख्या में बच्चे सब इंस्पेक्टर के लिए हमारे पास तैयारी कर रहे हैं। आपको भी अभी डर लग रहा है, किसी प्रकार का दर्द है बॉडी में, किसी प्रकार से आपको ये लगता है कि मैं शायद फिजिकल नहीं कर पाऊंगा, तो एक बार आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए, जिसमें हम ऑनलाइन भी आपको फिजिकल तैयारी करवा रहे हैं। जो बच्चे अभी तक जिनको पता नहीं ये चीज़ जानकारी नहीं है, उनके लिए बता दूँ कि ऑनलाइन भी हम फिजिकल की कंप्लीट जानकारी आपको दे रहे हैं, और उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और उसके ऊपर जाके आप ऑनलाइन फिजिकल तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं, एक अच्छी गाइडेंस में आप कर सकते हैं, जिसमें हर दिन आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है,
क्या क्या आपको वर्कआउट डेली करना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कौन सा इवेंट आपको कैसे करना है, ये सारी जानकारी हम दे रहे हैं उसमें, तो उसका भी फायदा आप ले सकते हो। अगर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जयपुर आके एकेडमी में भी तैयारी कर सकते हैं, और साथ में आप YouTube पर देखकर भी मेरे वीडियो लगातार, उनसे भी आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। तो पहली बार अगर आप चैनल पे हैं, अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब बटन ने जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं और सभी पेपर की तैयारी आप हमारे साथ अच्छे से कर पाएं। बहुत जल्दी आपको एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा कि पेन रिलीफ करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिनसे हम पेन रिलीफ कर सकते हैं, बहुत जल्दी से हमारे पेन को बॉडी से हटा सकते हैं, वो वीडियो नेक्स्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो कैसी लगी मेरी दी हुई जानकारी, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, राजस्थान की नंबर वन डिफेंस एकेडमी से ऑनलाइन फिजिकल तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें रिम डिफेंस एकेडमी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।